छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर स्थित कोरिया जिले में परंपरागत खाद्यान्न को लेकर समूह की दीदियां मिलेट्स कैफे का संचालन कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में कोरिया मिलेट्स कैफे की तारीफ की थी। कोरिया मिलेट कैफे की संचालिका से संवाद कर तालियां भी बजवाई थी। कोरिया मिलेट कैफे पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान बना चुका है। परंपरागत देशी व्यंजन को लेकर समूह की दीदियों ने सफलता हासिल की है। 38 लोगों के रोजगार देने के साथ साल भर में 92 लाख का व्यवसाय कर चुके हैं, जिसके लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री से लखपति दीदियों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कोरिया मिलेट संचालक को भी मौका मिला। बता दें कि कोरिया मिलेट कैफे व्यंजन और पौष्टिक आहार को लोगों की थाली तक पहुंचाने के उद्देश्य से कोरिया जिला प्रशासन ने मुख्यालय में मिलेट्स कैफे की शुरुआत की थी, जिससे 23 लाख रुपए से अधिक की आमदनी हुई। आपको बता दें कि ये कैफे शुरू होने के पहले दिन से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले ग्राहकों के लिए मिलेट्स के स्वादिष्ट की अच्छी व्यवस्था और साथ ही बैठने की अच्छी व्यवस्था भी प्रबंध की गई है। मिलेट्स का भोजन और नाश्ता सेहत के लिए लाभकारी है। मिलेट्स कैफे योजना से मिलेट्स का उत्पादन करने वाले किसानों को अपने उत्पाद बेचने का स्थान प्राप्त हुआ है, तो दूसरी तरफ कैफे में कार्यरत लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त होने का एक नया रास्ता भी मिला है। बता दें कि तत्कालीन कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने 10 मई 2023 में इस कैफे की शुरुआत कराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित कई मेहमान इस कैफे के लजीज व्यंजन के स्वाद की सराहना कर चुके हैं। हाल ही में अभी माननीय प्रधानमंत्री से बात करके और मिलकर आए हैं और जो उसमें लगी हुई हमारी लखपति दीदियां हैं वो उनको काफ़ी सराहना भी मिली है। और ये ऐसे स्थान पर स्थित है जो स्थान का महत्व सिर्फ इसी से बढ़ जाता है कि यहाँ पर जो क्यूजीन मिल रहा है वो पूरे मिलेट से है। अगर आप पनीर खा रहे हैं तो पनीर डिप्ड इन मिलेट्स, सो जो मॉडर्न फूड जिसको कि लोग पसंद करते हैं उसको नए स्टाइल से और नए अंदाज में लेकिन हमारे परंपरागत तरीके से बनाकर उसको किस तरीके से सर्व किया जाता है, किस तरह से उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, इसमें हमारी दीदियों ने पारंगत हासिल करी है। और इनफैक्ट वो प्रशिक्षित भी हैं, ट्रेंड भी हैं, इसलिए उन्हें सारे जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं एक होटल मैनेजमेंट में उन सभी चीज़ों का उनको अच्छे से आभास है। इसी को लेकर हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि विदित है कि कोरिया में इको टूरिज्म की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और हम इस ट्रेडिशनल फूड को जो हमारे कोदो है, कुटकी है, रागी है, मिलेट है, बाजरा है, ज्वार है, उसको लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी का आगे भी एक आउटलेट हम सोनत से आगे सोचे हैं उस क्षेत्र में भी करेंगे, ताकि वहाँ के जो लखपति दीदियाँ हैं और या पोटेंशियल लखपति दीदियाँ हैं जिनको हम आइडेंटिफाई किए हुए हैं उनको हम इसमें जोड़ें और वहाँ से क्षेत्र में भी लोगों के लिए एक साधन रहेगा कि कहीं हम बैठकर परिवार सहित खा सकते हैं और इससे रोजगार भी मुहैया होगी, प्लस हमारी दीदियाँ जो हैं वो आत्मनिर्भर भी बनती रहेंगी। मिलेट्स से जितने भी जुड़े व्यंजन हैं वो सब का, उसके अलावा जैसे नॉर्मल चीज़ भी मिलता है, जैसे अभी मैं शाही खीर खाया कोदो वाला, टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। और इसके अलावा जैसे अपन रेगुलर यहाँ आते रहते हैं और मतलब जो भी यहाँ बनाते हैं टेस्ट में काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा जैसे अभी कॉर्न चिल्ली भी खाया, वो भी बहुत अच्छा लगा, शानदार टेस्ट, मतलब बैकुंठपुर में वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बोल सकते हैं इसको, बहुत अच्छा है यहाँ का कैफे। कोरिया मिलेट्स जो है ये बैकुंठपुर के लिए बहुत ही सुविधाजनक रेस्टोरेंट है। एक तरह से यहाँ मिलेट्स के सारे जो व्यंजन हैं वो बनाते हैं लोग, साफ सफाई बहुत अच्छी रहती है। हम लोग तो कोर्ट के काम, चाय के काम में आते हैं और लगभग बहुत अच्छी सुविधा है, शांत है, वातावरण बहुत बढ़िया है। और इसके लिए जिस तरह से कोरिया मिलेट्स के जो व्यंजन हैं और जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर परोसी जा रही हैं, लोग जिनका बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं प्रदेश में नेशनल स्तर पर। मोदी जी के साथ भी यहाँ की संचालिका की बातचीत हुई। हमारे कोरिया मिलेट्स कैफे में मिलेट्स के आइटम ज़्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि कोदो की खीर हो गई, मीठे में ज्वार का गुलाब जामुन, रागी चीला, मिलेट्स मंचूरियन, मिलेट्स का पनीर चिली, कोदो उपमा, ये सब हमारे यहाँ मिलते हैं। रागी डोसा भी मिलता है, ये सब डाइट के आइटम है, थोड़ा वो अपने शरीर के लिए भी अच्छे रहते हैं।